एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास रैबिट के साथ साथ एक टर्टल भी है जो कि 1.5 इयर्स से हमारे साथ है और उसका नाम है डेजा वू। तो उसका एक घर है जो कि बालकनी में, तो मेरा ब्रदर जो है मॉर्निंग में उसे डेजा वू को मिलने के लिए गया तो उसने कहा कि वहाँ पर डेजा वू था ही नहीं। तो मम्मी ने कहा कि डेजा वू वहीं पर ही होगा, उसके घर में ही होगा, ढूंढो उसे ठीक से, पर वो वहाँ था नहीं। तो फिर हमने उसे यहाँ वहाँ देखा तो हमें ऐसा लगा कि वो कहीं चला गया होगा, ऐसे ही वो चलता है, तो बट वो था नहीं। फिर हमने जब बालकनी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पीछे बहुत सारा खून था, तो वो मतलब हर जगह ब्लड ब्लड वहाँ पे था। तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारे रैबिट्स हैं वो आजकल फ्लावर खा रहे हैं, तो उससे उसका मतलब वो रैबिट्स का रैबिट में से किसी जो फीमेल रैबिट है उसका ब्लड है, पर जो है ऐसा नहीं था, वो रैबिट्स का ब्लड नहीं था। मेरी जो दादी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है चूहा है, कोई बड़ा सा रैट है जो कि जिसने हो सकता है कि टर्टल पे अटैक कर दिया हो हमारे। तो हम ये सुन के बहुत डर गए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था एंड दैट सिनेरियो वॉज टोटली टेरिफाइंग। आई कॉन्ट डिस्क्राइब यू, वहाँ बहुत सारा ब्लड था और हम लोग देख के बहुत ही मतलब हम बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अब हमारा डेजा वू हमारे साथ नहीं है और हमें ऐसा लगा कि जो चूहा है उसने उसको मार के खा लिया, क्योंकि जो रैट्स हैं वो अक्सर टर्टल पे अटैक कर देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है हार्ट रेंचिंग था कि अगर हमारा जो डेजा वू है उसको अटैक कर दिया। एक पल के लिए हमने पूरा गिव अप कर दिया था कि वो कहाँ गया, बिकॉज कहीं पे भी डेजा वू मिल ही नहीं रहा था, हर जगह बस खून ही खून था, हर जगह लेफ्ट राइट सिर्फ ब्लड। फिर मम्मी ने उस ब्लड को, मेरा ब्रदर ये सुन के बहुत ही सैड हो गया और फिर वो अपने स्कूल चला गया। फिर उसके बाद हमने मेरी मम्मी जो है उसे रोज़ खाना देती थी, रोज़ उसका टेक केयर करती थी, तो मम्मी मेरी उससे कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे डेजा वू से इतना अटैचमेंट नहीं था बिकॉज मुझे वो क्रीप लगता था, आई डोंट नो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ, ऑब्वियसली ही वॉज एन एनिमल तो अटैचमेंट तो हो जाता है, बट इट्स माई चॉइस, आई डोंट लाइक टर्टल्स। तो बट द थिंग इज़ कि मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा बिकॉज मुझे उसकी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी कि वो मतलब कहाँ चला गया होगा, और ऊपर से मैं जब इमेजिन कर रही थी कि चूहों ने उनका क्या हाल कर दिया होगा, उस वजह से तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर सके, हमारी लापरवाही की वजह से आज उसने अपनी जान खो दी। तो फिर उसके बाद जब मम्मी और मैं बैठे थे तो माई मदर थॉट कि क्यों ना हम नीचे जाके एक बार ढूंढें, क्या पता उसका कुछ ट्रेस मिल जाए, कुछ तो मिल जाए ताकि हमें पता चले वो गया कहाँ, एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। तो मैं और मेरी मम्मी हम नीचे गए और हम उसे ढूंढ रहे थे और यू वोंट बिलीव, आई जस्ट सेड भगवान प्लीज़ वो मिल जाए, और वो पता नहीं कहाँ से अचानक से ही दिख गया एंड आई कांट टेल यू थैंक यू भगवान, वो एकदम से ही मिल गया। और उसके बाद हम उसे लेके आए, उसके बाद उसकी कंडीशन मैं आपको दिखा। नीचे से लगा हुआ है चोट, उसका पूरा स्किन वो कर दिया है। हाँ, वहीं पे वहीं पे बुरा लग रहा है इसके लिए। अभी हम पास के वेट के पास जाएंगे, मम्मी उसकी टेल के पास से भी ब्लड हो, उसके शेल्स भी जो हैं वो भी टूट गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। फोर्थ फ्लोर से गिरा है, यहाँ पे भी लगा कुछ डरी हुई पूछ के उससे गिरा हुआ, उस पर मत लगाओ, क्या पता उसे जला ना मार दे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसके शेल पे भी चोट लगी है उसे।
देखो रैबिट को भी उसकी चिंता है, वो उससे मिलना है क्योंकि उसे जानता था ना। ये देखो